आजकल आप मॉर्निंग वॉक पे भी दिखाई नहीं देते और शाम के अड्डे पे भी नहीं मिलते, क्या बात है? ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो? क्या कहूँ बरुआ जी, हाल ही में लड़का और बहू आए थे और वो दोनों ही थे दफ्तर। जैसे ही अपने माँ से सुना मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, बस वो दिन हो गया छोड़ू एक के बाद एक टेस्ट करवाने में। अब उम्र हो गई है, तबीयत कहाँ ठीक रहेगा। अच्छा, इसका मतलब यह है उम्र बढ़ने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, रास्ते में कहीं कुछ हो गया तो अब और क्या करूं? आपने गृह लक्ष्मी की बात तो टाल भी नहीं सकता, इसीलिए आजकल खुलना काम कर दिया। अच्छा, वैसे तो आप बहुत साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन आज एक हाथ में डस्टबिन और एक हाथ में लाठी, इसके पीछे क्या राज है? अरे आप भी ना, कोई राजबाज नहीं है और ये कोई ऐसी वैसी लाठी नहीं है। पता है ये क्या है? ये देखिए। अरे हाँ देखा, लेकिन अरे जहां भी रास्ते में फेंका हुआ कचरा देखता हूँ इस कील से उठाकर डस्टबिन में फेंक देता हूँ, उसके बाद आग में। इसके दो फायदे हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक भी हो जाता है और बीवी भी खुश रहती है। क्यों, कैसा लगा? सच में मान गए आपको, आपकी सोच की दाद देनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है, हो सके तो शाम को मिलता। ठीक है, जरूर। अरे टैप में पानी क्यों नहीं आ रहा है? मुंह कैसे धूं? नहाया भी नहीं। से? अच्छा ही हुआ, घर का काम छोड़कर अब करो देश की सेवा, खुद के घर के जरूरतों को भूल जाओ। I do नाश्ता। अरे वो गगोई के घर में जो पिछले साल जो डीप ट्यूबवेल बिठाया था, तभी से हमारे इलाके में पानी की क्राइसिस होना शुरू हुआ है। कुछ इंसान सिर्फ अपने ही फायदे को देखते हैं। सबको अपने जैसा मत सोचो। मेरे हिसाब से कभी कभी अपने फायदे के लिए सोचना पड़ता है। तुम लोगों की यही खुदगर्जी भरी बातें मुझे पसंद नहीं। अच्छा जो भी हो, आप पानी का बंदोबस्त किए बिना कहीं मत जाना, ये लीजिए दवाई। अरे वहाँ पे पानी नहीं क्या? चलिए सरकारी दल में चलिए। हाँ चलिए चलिए। क्या हुआ? पता ही नहीं चला। ची 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 ची। एक काम करते हैं, चलो हम भी सरकारी नल पे ही चलते हैं। चलो चले 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 चल 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 सरकारी नल। क्या हुआ? होना क्या है खुरादेव, कलिता खुरा के घर के पास जो सरकारी नल है वहाँ पानी नहीं आ रहा है। हाँ। कुएं का पानी भी सूख गया है। अब पीने को पानी नहीं मिलेगा तो और क्या होगा, जरा सोचिए तो खुरादेव। अच्छा तो अब कुछ लोगों का तो कहना है जो पुराना राजो हुआ कुआ है उसका पानी भी सूख गया है, इसलिए 3 नंबर बायलेन के पास जो सरकारी नल है वहाँ जाके देखती हूँ। बहुत बुरा हुआ है, हमारे घर की टंकी भी खाली है। ठीक है अब जाओ, अब आखिर में पानी खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं है। आप लोगों का तो कोई टेंशन नहीं है खुरादेव, पैसे देंगे पानी आ जाएगा, हम जैसे घर घर में काम करने वाले लोगों को ही मरना है। चलो अरे यहाँ पे अभी पानी नहीं है, ये तोड़ देंगे। हाँ तोड़ देना सही है। तोड़ने से क्या होगा, ऐसे आग लग जाएगा।
गोगे बाबू, आपको तो पता ही है मैं भी क्लियर कट आदमी हूँ। आज मुसीबत में हूँ, इसलिए ही आपके पास आया हूँ। देखिए हजारिका बाबू, आपका और मेरा रिलेशन दूसरा है, इसलिए आपकी बात दूसरी है। अगर ऐसा ही है तो इन लोगों को मेरे सामने अपमान नहीं करना चाहिए था। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आता हूँ। आइए। घर में है? हाँ, है ना? आइए, आप अंदर आइए। अरे, वह क्या? जाइए, जाइए, अंदर बैठिए। लड़का, साग सब्जी की कुछ खेती किया है क्या? अरे बलवा जी, मजाक मत कीजिए। ऐसे ही फागुन महीने के वजह से जमीन सूखी पड़ी है और उसके ऊपर पानी की समस्या, और इस हालत में सब्जी का खेती बाड़ी कौन करेगा। अच्छा बुढ़ुआ, आप अंदर जाके बैठिए, मैं हाथ धो कर रहता हूँ। आइए। हाँ, जाइए। पहले जमाने में पानी खरीद के पीने के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। हाँ, शादी विवाह का मामला अलग है, उसमें पानी खरीदा जा सकता है। वैसे भगवान की कृपा से हमारी गली में अब तक पानी आ रही है। जो भी हो, अभी और हाथ पे हाथ रख के बैठने का वक्त नहीं है, समस्या किसी भी वक्त आ सकती है। ये सब बातें अगर ना सोचूं तो कुछ भी नहीं, अगर सोचूं तो आने वाले 5 सालों में होने वाले परिस्थिति के बारे में सोचकर बहुत डर लगता है। कुछ साल पहले रस्सी के बिना ही कुएं से पानी उठा लेते थे, अब तो पानी नजर ही नहीं आता। ऊपर से पेपर में जिस तरह की खबर छपती है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी सूख रहा है, सुन के ही मन कांपने लगता है। अरे बड़ुआ, हमारी बात सुनो, हमारे तो जाने का वक्त आ गया है। अभी न्यू जनरेशन के बारे में सोचिए। सुनते हो, प्रभात आए हैं। प्रभात यानी प्रभात है? हाँ। बुलाओ अंदर में। कुछ लोग हैं साथ में। लोग हैं? किस लिए आए होंगे? ठीक है, चल के देखता हूँ। भाभी, मैं भी निकलता हूँ। आज बहुत दिनों से हजरिका का खबर लेने के लिए सोच रहा था, क्या करूं, वक्त ही नहीं मिलता। रिटायरमेंट के बाद काम बढ़ते ही जा रहे हैं,
आप इतना वक्त निकालकर जो हमारी खबर लेने आए हैं, ये हमारे लिए बहुत है। हम तो उतना भी वक्त नहीं निकाल पाते। कभी आइए ना हमारे घर, हाजरिका को भी लेकर। ठीक है। माइंड को रिलैक्स करना भी जरूरी होता है। अच्छा, मैं चलूं। जी। अरे प्रभात, तुम लोग कहाँ से आए हो? क्या बात है? खुरादेव, आज पूरे 6 दिन हो गए हैं पानी के प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन अभी तक एक भी आदमी नहीं आया, इसलिए हम लोग को ही आना पड़ा। आजकल सामाजिक कामों में आगे आने से कुछ लोग बातें करने लगते हैं, पर हम उन बातों की फिक्र नहीं करते। हम लोग तो यहाँ अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं। अरे बेटा, कौन क्या कहता है उसकी परवाह मत करो। समाज की भलाई के लिए अवसर भगवान सबको नहीं देता है। काम वही करना चाहिए जो तुम्हें सही लगे और भगवान को बुरा ना लगे। कौन क्या कहता है उसकी परवाह मत करो। इसीलिए आप लोग हमारा मार्गदर्शन कीजिए, वही हमारे लिए काफी है। तुम लोग ने हमें जो इस लायक समझा, हम बहुत आभारी है इसके लिए। हम जैसे लोग और हमारे साथ जुड़ जाए तो हमें थोड़ी साहस और सहायता मिलेगी। तुम लोग घोष बाबू को जाकर खबर दो। हाँ, तो फिर ठीक है खुरा दियो, आज शाम को हम लोग सब मंदिर में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। तो हजारिका, मैं भी निकलता हूँ। अच्छा, आज बहुत अच्छा लगा बातें करके। अच्छी बात है, तो निकलता हूँ। ठीक है। हम लोग यहाँ बात करने के लिए आए हैं, हम लोगों को बात करने दीजिए। हजरिका बाबू, आप बोलिए। भाइयों और बहनों, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इस मामले को ठंडे दिमाग से सोचने से ही इसका उचित हल मिलेगा। गोगोई ठेकेदार का डिप्टेबल नहीं, सब मुसीबत का जर है। अरे उसका पास पैसा है, इसका मतलब तो ये नहीं समाज का हित करे। अरे डीप ट्यूबवेल बिठाने के लिए सरकार से अनुमति लेना पड़ता है या नहीं, वो हमें पता करना होगा। यही देना ही पड़ेगा। सुनिए सुनिए, पहले मेरे बात सुनिए। एक तो हमारे कुएं का पानी सूख चुका है और अभी सरकारी नल का पानी भी नहीं आ रहा है ना, तो अभी हमें वो बंदोबस्त करना चाहिए कि हमें वाटर सप्लाई का पानी मिले। क्या कहते हैं? ये सही है। अच्छा अच्छा, अब तो ये सारे कामों का जिम्मेदारी किस किस को देना है ये तो तय करे। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो गगोई ठेकेदार से बातचीत करने का दायित्व हम जैसे वृद्ध लोगों को देना ही उचित होगा। घोष बाबू ने तो मेरी मुंह की बात ही छीन ली। हाँ, दरअसल हम ये जिम्मेदारी इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि गोगोई ठेकेदार से हम खुल के बात कर सकते हैं। वो हमारी बातों को टाल नहीं सकता। टाल तो नहीं सकते वो। आज मुसीबत आने पर ही पानी के संरक्षण के बारे में विचार कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग इस बारे में सोचते ही नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं, जरा खुल के बताइए तो। अच्छा, तो फिर आज मैं आप लोगों को भूगोल विज्ञान के बारे में बताता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। खास तौर पे यहां आए हुए महिलाएं अच्छी तरह से सुनिए। इस पृथ्वी में 3 भाग पानी और 1 भाग स्थल है, और ये बात हम सभी को कुछ हद तक पता है। इन 3 भाग पानी में से
97.5 पानी समुद्रीय पानी है जो कि हम पी नहीं सकते, और 2.5% पानी पीने लायक है जिसमें से 70% पानी बर्फ है और बाकी 30% जमीन के अंदर है, यानी ग्राउंड वाटर है। तो जरा सोचिए तो, जनसंख्या की तुलना में पानी कितना कम है। कम से कम हमारे नए पीढ़ी के भविष्य के लिए हमें पानी बचाना होगा। वैसे हजुरिका जी, आज पानी के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला। मैंने भी आज पानी के बारे में बहुत कुछ सीखा। आप महिलाएं भी इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि घर की कामकाजों में अतिरिक्त पानी का इस्तेमाल करना बंद करना होगा। चलिए, आज हम सब ने पानी के जरूरत और आवश्यकता के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैं आप सबसे आशा करता हूं कि इन सब बातों को आप लोग नहीं भूलेंगे। चलिए, रात भी बहुत हो चुकी है, आप लोगों को भी घर जाना है, क्या कहते हैं? हाँ हाँ ठीक चले। अच्छा, सबको तो अभी समझ में आ गया होगा, तो अब हमें चलना चाहिए। नमस्ते नमस्ते। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। परसों शाम को मंदिर में एक मीटिंग हुआ था, प्रभात ने आपको बुलाया था। परसों? हाँ। अरे हाँ हाँ हाँ, मेरी बीबी मुझे बोली थी। आप लोगों को तो पता ही है कि रात को मैं एक देर से घर लौटता हूँ, इसीलिए जा नहीं पाया। नहीं नहीं, मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता। फागुन चैत महीना में सब जगह तो पानी का क्राइसिस होता ही है, खासतौर पे इस इलाके में। दरअसल ज्यादातर लोगों के कुएं का पानी सूख गया है। मेरे घर पे सेलो ट्यूबवेल है, लेकिन फिर भी टैंक में ठीक तरह से पानी नहीं उठता है। इसका कारण क्या हो सकता है? सिर्फ कारण ढूंढते रहने से ही समस्या का हल नहीं निकलेगा घुस बाबू। अर्थात ज्ञान बुद्धि और त्याग से भी समस्या का हल निकल सकते हैं। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। पर आखिर में आप लोग मेरे डीप ट्यूबवेल को निशाना तो नहीं बना रहे हैं ना? देखिए, आज से 3 साल पहले मैंने डीप ट्यूबवेल बिठाया था, वो भी जरूरत पड़ने पर। अगर आज आप लोग डीप ट्यूबवेल बिठाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना ही तो इंसानियत है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए। हमने सोचा है कि पानी का ये समस्या रहने तक लोगों को पहले की तरह कम से कम पीने का पानी देना चाहिए। इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, पानी दान करना एक पुण्य का काम होता है, तो ऐसे महान काम करने में हिचकिचाहट कैसे। बुरा मत मानिए, I can't do this। उस दिन कुछ लोगों ने 2-3 कीमती फूलों का ताप तोड़ दिया। हाँ, पर आप लोग जब आ ही गए हैं
तो मैं एक काम कर सकता हूँ। कुछ दिनों के लिए एक पानी का पाइप वॉल से बाहर निकल के रख सकता हूँ। हाँ होगा होगा, लोग बाहर से ही पानी लेके जाएंगे। बुरा मत मानिएगा, वैसे आपके इस उपकार को लोग सदा ही याद रखेंगे। ठीक है, है। अच्छा, अच्छा अब हम, तो हम लोग चलते हैं। जाइए। नमस्ते। हजारिका जी, आप घर पे ही हैं तो आप कृपया घर पे रहिए, मैं आ रहा हूँ।